गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हमने डिस्कस किया था हाउ कैन वी कंजर्व नेचर हम नेचर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वामेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन देखिए वेरी इजी इन्वायॉर्मेंटल प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन का मतलब क्या है तो अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट सोसाइटी जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के डायरेक्शन में कुछ स्टेप्स लेते हैं दिस इज कॉल्ड इन्वामेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन यानी हम इसका सीधा सीधा एम क्या है सीधा सीधा मतलब क्या है तो इसका जो एम है वो यही है कि हमारे हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से या आर्टिफिशियल एक्टिविटीज से जो भी डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हुआ है जहाँ तक हम डैमेजेस को रिपेयर कर सकते हैं जहाँ तक हम यूटिलाइजेशन को यानी जो पूरे यूटिलाइजेशन को कम कर सकते हैं कंजम्पशन जितना कम कर सकते हैं या हम कह सकते हैं वाइजली कंज्यूम कर सकते हैं वो हम करते हैं तो बाई दिस वे वी आर कंजर्विंग वी आर प्रोटेक्टिंग आवर नेचर और इन्वायरमेंट इस तरीके से हम कर सकते हैं तो बहुत सारे इसमें स्टेप्स हैं ये बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इसको हम डे टू डे लाइफ में भी कुछ टिप्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं जिनको हम फॉलो करके इसको बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं इस टारगेट को इस गोल को तो सबसे पहला है बाई अप्लाइंसिस लाइक रेफ्रिजरेटर देखा होगा आपने जब भी बी जो है आपको इलेक्ट स्टार रेटिंग्स देती है जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं तो वहाँ पर जनरली आपको बी की स्टार रेटिंग मिल जाती है तो ये करती क्या है ये स्टार रेटिंग ये बताती है कि हाउ एफिशियंटली द जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है वो एफिशिएंटली कितना इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर पा रहा है तो जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग होगी उतना ही वो कम कंज्यूम करेगा पावर का तो अब यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वो भी कम होगा तो और हम कह सकते हैं एक तरीके से वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कम होगी तो आप जब भी रेफ्रिजरेटर खरीदें वशिंग मशीन ख़रीदें तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट का जो एनर्जी स्टार है वो देख के ख़रीदें जब आप कोई कार खरीदते हैं तो यहाँ पर आप ये चेक करें कि जिसका जो माइलेज है अगर वो सी एन जी पे हो तो बेस्ट है क्योंकि सी एन जी आपकी नेचुरल गैस है कम्प्रेस नेचुरल गैस इसमें पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम होता है यहाँ पे आप एल पी जी सी एन जी पर बेस्ड हो सकते हैं इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स को ख़रीद सकते हैं तो दिस पे भी आप काफ़ी हद तक पोल्यूशन को कम कर सकते हैं जब भी आप यहाँ पे प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं या कारपोलिंग यूज़ कर सकते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करिए यहाँ पे एलईडी लाइट्स का घर में इस्तेमाल करें ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी कल लाइट्स जब भी आपको जरूरत ना हो उसको ऑफ कर दिया जाए जो भी आपके पास कंटेनर्स हैं जो वेस्ट कंटेनर्स हैं वहाँ पर आप जो है बायोडिगेबल मटेरियल को अलग से रखें ताकि वो जो है रिसाइकलिंग प्रोसेस में यूज़ हो सके और एक तरीके से अननेसरी पॉल्यूशन जनरेट ना हो जब भी पेपर और प्लास्टिक पेपर और प्लास्टिक बैग की जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे पेपर बैग का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये डिग्रेडेबल प्रोडक्ट है लेकिन फिर भी पेपर अ काइंड ऑफ वेस्ट हो रहा है हमारे पास तो हम पेपर का इस्तेमाल भी ना करें हम यहाँ पर कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं अब ये पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक कम करते हैं री यूजेबल क्लोथ बैग को यूज़ करिए जिसको आप वॉश कर सकते हैं फिर से यूज़ कर सकते हैं पेपर को कम से कम यूज़ करें क्योंकि पेपर्स की वजह के लिए कटिंग ऑफ ट्रीज़ बहुत लार्ज अमाउंट में होती है लार्ज स्केल में होती है तो यहाँ पे जो पेपर वेस्टेज को कम करने के लिए हम यहाँ पे डिजिटल uh, प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए वहीं उनको जब भी हमें जरूरत होगी हम शेयर भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसके लिए बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं सेशन टू ग्रीन इकोनमी एंड ग्रीन स्किल्स देखिए ग्रीन इकॉनॉमी क्या है ग्रीन स्किल्स क्या है तो ग्रीन इकोनॉमी फर्स्ट वर्ड जो है 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया था यूके में यूज किया गया था यहाँ पे इसका मतलब क्या है अकोनॉमी इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंट्री इन टर्म्स इजी वर्ड्स में कहें तो एक एक ऐसी इकॉनॉमी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड हो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट एज काइंड ऑफ ग्रोथ जहाँ पे वी कैन ग्री वी कैन जनरेट ग्रोथ वी कैन जनरेट आवर वी कैन ग्रोथ आवर इकॉनमी विदाउट द हैम्परिंग ऑफ इन्वामेंट और नेचर बिना हैम्पर किए हुए नेचर या इन्वामेंट को इस तरह की ग्रोथ हम जब जनरेट करते हैं दिस इज कॉल्ड ग्रीन इकॉनॉमी अब इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकॉनॉमी आखिर ग्रीन इकॉनॉमी को हम यूज क्यों करें वाई द ग्रीन इकॉनमी इज इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल अर्थ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन हम अपने जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाए रखें इसका सबसे बड़ा जो है एम है इम्पॉर्टेंट है रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन जो कार्बन इमिशन है एयर के अंदर वो कम से कम करें यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको कम किया जा सकता है आप ग्रीन इकोनमी को अपना के दूसरा ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज देखिए फॉसिल फ्यूल या बायोफ्यूल जो भी हमारे पास है उनसे हम डिपेंडेंसी अपनी चेंज करके यहाँ पे रीनबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ आ सकते हैं लो कार्बन इमिशन रिड्यूशन रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज यानी कम से कम जो है हम ग्रीन हाउस का इमिशन कर सकें और एफिशिएंटली रिसोर्स मैनेजमेंट देखिए बहुत जगह पे वेस्टेज क्यों होती है जब हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं तो अब हमें क्या करना है जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको वाइजली यूज़ करना है अनेसरी वेस्टेज नहीं करना है कंजर्वेशन पे काम करना है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम काम कर सकते हैं एल ई बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी स्टार वाले रेटिंग्स वाले जो हैं इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं अपने घरों में अब सोशल इक्विटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिविजुअल कान डू एनी एक इंडिविजुअल की गोल या रिस्पॉसिबिलिटी नहीं है ये पूरी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसको टुगेदर वी कैन कंप्लीट दिस तो यहाँ पे शेयर्ड अक्रॉस ऑल स्टार्ट ऑफ सोसाइटी यानी पूरी सोसाइटी एक साथ मिलकर इसमें काफ़ी जो है हम कह सकते हैं कि अच्छा स्टेप ले सकते हैं यहाँ पे इन ग्रुप के साथ हम करके पूरी सोसाइटी इसमें काम कर सकती है एस के गोल्स को कंप्लीट कर सकती है नेक्स्ट इज वाट आर ग्रीन स्किल्स ग्रीन स्किल्स क्या होते हैं तो देखिए ग्रीन स्किल क्या है नेशनल सेंटर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन रिसर्च ऑस्ट्रेलिया इन्होंने ग्रीन स्किल को डिफाइन किया है एज अ टेक्निकल स्किल अब टेक्निकल स्किल का मतलब क्या होता है यानी कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे आप अर्न भी कर सकते हैं उसको हम टेक्निकल स्किल कहते हैं जैसे अगर हमें कुछ रिपेयर करना आता है कुछ बनाना आता है कुछ मैन्युफैक्चर करना आता है तो दिस इज़ काइंड ऑफ टेक्निकल स्किल मुझे ए रिपेयर करना आता है मुझे टेलीफोन ठीक करना आता है मुझे कुछ भी आता है कार रिपेयरिंग करना आता है तो ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल स्किल में आती हैं तो ग्रीन स्किल को भी एज अ टेक्निकल स्किल ही यहाँ पर कंसिडर किया गया है क्योंकि इसके जो नॉलेज है और वैल्यूज़ हैं इसको इससे क्या होता है जब ये सोसाइटी में इंक्रीज होती हैं तो इट फोर्स टू द सपोर्ट सस्टेनेबल ये सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ सस्टेनेबल सोशल ग्रोथ की तरफ ये फोर्स करती है तो इससे जो ग्रोथ जनरेट होगी इकोनॉमिक होगी एनवायरमेंटल जो आउटकम आएगा बिजनेस इंडस्ट्री का वो सस्टेनेबल होगा एंड फ्यूचरिस्टिक होगा फॉर कम्युनिटी के लिए फॉर आवर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए